नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती की सभी समस्याओं को उनसे संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने की, ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं और खेती से संबंधित नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, नई नई जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको समय से उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि कोई रोग आता है या कोई समस्या आती है किसी फसल में तो आप उनसे बच सकें। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिस खेती संबंधित यदि आपकी कोई अन्य समस्या हो तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप से हमसे बात कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस चैनल का मेन मुख्य उद्देश्य है कि समस्त किसान भाई जो खेती करते हैं, चाहे वो नॉर्मल विधि से करते हों या फिर वो टेक्निकल फार्मिंग करते हों, वो अपने उस खेती से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें, ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। इसी से संबंधित इस वीडियो में आज हम आप लोगों को मक्के के 7 किस्म के बारे में बताएंगे, उनका पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि इसमें उत्पादन क्या होता है, क्या टाइमिंग लगती है, और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस्म का चुनाव करना चाहिए बुआई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको कंफर्म कर दें कि इस वीडियो में जो आपको 7 किस्म बताई जाएंगी, इनकी बुआई करने का टाइमिंग क्या होगा, क्योंकि ये 7 सारी किस्में जो हैं ये एक ही टाइम पे इनकी बुआई आप जो है कर सकते हैं एक ही मौसम में। तो इनकी बुआई आप जनवरी से लेकर के अप्रैल 15 अप्रैल तक जो है इनकी आप बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से किसी भी किस्म का बुआई जो है जनवरी से 15 अप्रैल तक कर सकते हैं। सबसे पहली किस्म की बात करें तो किसान भाइयों, ये पाइनियर कंपनी की है, P1899। इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों, ये 90 से 100 दिन में इसकी फसल पूर्णतः पककर तैयार हो जाती है। बीज दर की बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर इसमें आपको लगता है। उपज की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें उत्पादन थोड़ा सा कम है, ये उत्पादन 38 से लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। इसमें जो है सूखा सहन करने की कोई खास जो है शक्ति नहीं होती है। काफ़ी प्रचलित किस्म है ये, इसलिए इसको हमने अपने वीडियो में जो है इसका सिलेक्शन कर रखा है, और जो है आप इसकी बुआई कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं, आपके यहाँ पाइनियर कंपनी का सीड मिलता हो तो। किसान भाइयों, हमारी दूसरी किस्म है हाईटेक कंपनी की 5106। ये किस्म भी काफ़ी प्रचलित किस्म है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों, ये लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने जो होते हैं वो मोटे होते हैं और पीले रंग के होते हैं। उपज की बात करें तो ये 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे देती है। बीज दर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। सहन करने की शक्ति है, यानी इसमें कम सिंचाई करने की भी स्थिति में जो है आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई समस्या हो तभी आप जो है इसकी फसल में सिंचाई की संख्या को कम करिएगा। कोई समस्या ना हो तो आप जो है निर्धारित सिंचाई करिएगा, क्योंकि सिंचाई कम करने से उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, हमारी तीसरी किस्म है सिजेंटा कंपनी की, ये किस्म है NK6240। किसान भाइयों, ये भी काफ़ी प्रचलित किस्म है और इसकी बुआई बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। इस किस्म की बुआई, इसकी फसल अवधि लगभग 105 से 110 दिनों की है। उपज की बात करें तो 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है। इसमें बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। इसमें 3 से 4 सिंचाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। लेकिन ये किस्म, एक रोग आपको याद होगा कि जो है एक पहली सिंचाई के बाद जो है पौधे मरने लगते हैं, एक इकट्ठे सूख जाते हैं, जड़ से संबंधित समस्या होती है इसमें। तो इस रोग के प्रति इसमें जो है सहन शक्ति है, ये रोग इसमें प्रभावित नहीं होता है। यदि आपके यहाँ प्रचलित ये रोग हो तो आप इस किस्म का सिलेक्शन कर सकते हैं आपके यहाँ, जिससे जो है आपकी फसल बची रहेगी। किसान भाइयों, हमारी चौथी किस्म है एडवांटा कंपनी का PAC 751। ये भी काफ़ी प्रचलित किस्म है,
और किसान भाइयों इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग 32 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन जो है प्राप्त हो जाता है। फसल अवधि लगभग 130 दिन तक की मानी जाती है। 130 दिन में इसकी फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है। 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता होती है। इसमें भी आपको 2 से 3 से 4 सिंचाइयाँ करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों हमारी पांचवी किस्म है मोनसेंटो डेकेल्व 9108। इसकी एक दूसरी भी वैरायटी आती है 9126 के नाम से। दोनों का मैटर जो है वो लगभग सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपको जो है 9108 मिल रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो आप 9126 को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी फसल अवधि की बात करें तो लगभग 120 से 130 दिन इसकी फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन इसमें प्राप्त हो जाता है। बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से लगता है। ये भी जो है कई रोगों के प्रति रोगरोधी शक्ति है इसके अंदर। हाइब्रिड किस्म है और काफ़ी किसानों के द्वारा पसंद की जाती है, तो इसकी बुआई आप कर सकते हैं क्योंकि इसका जो है टाइमिंग भी ठीक है और जो है उत्पादन भी इसका ठीक ठाक मिल जाता है। अगर इन किस्मों की बात करें कि इसका जो है भुट्टा कब तक तैयार होता है तो ये लगभग 70 से 75 दिन में इसका भुट्टा जो होता है वो हरा भुट्टा तैयार हो जाता है मार्केट में बेचने के लिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं हाल में ही जो विकसित की गई किस्में हैं, पिछले कुछ वर्षों में इनको विकसित किया गया है, यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई हैं। तो इसमें हमने दो किस्मों का सिलेक्शन किया है, MAH 1584 है। किसान भाइयों यह किस्म पिछले कुछ वर्षों में विकसित किया गया है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो लगभग 100 से 110 दिनों में ये फसल पूर्णता पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों इसमें सबसे अधिक उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है, जो है 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन जो है आपको प्राप्त हो जाता है। अभी तक मक्के में उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म जो है MAH 1584 ही है। इसको अभी आप ऑनलाइन जो है परचेस कर पाएंगे, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन अभी तक ये अवेलेबल नहीं हो पाई हर जगहों पे। कुछ जगहों पे है जहां हो सकता है कि ये ऑफलाइन भी मिल जाती हो, लेकिन आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो आप गूगल पे इंडिया मार्ट साइट के अंदर आप सर्च कर लीजिएगा MAH 1584 किस्म, आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसकी बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों इसका बीज जो है लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है यदि आप किसी भी वैरायटी से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है फसल की सारी क्रियाएं जो होती हैं खेत की समस्या जो सारी क्रियाएं होती हैं उनको आप टाइम टू टाइम करते रहिए। और इसकी बुआई में तो आपको खास ध्यान रखना होता है, इसकी बुआई आप लाइन से ही करें ज़्यादा सही होता है, क्योंकि इसके पौधे जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और उनकी लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हालांकि मजबूत होते हैं, वो गिरते नहीं, गिरने वाली समस्या जो है इसमें नहीं आती है। ठीक है, बालियों का रंग जो है वो पीला होता है, इनके दाने जो होते हैं पीले होते हैं, मोटे होते हैं, बालियाँ जो होती हैं वो लंबी होती हैं, काफ़ी आकर्षक होती हैं, इनकी भी बुआई कर सकते हैं। दूसरी किस्म हमारी है पूषा HM8 संकर किस्म है, ये भी पिछले कुछ वर्षों में विकसित की गई है। इसकी टाइमिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, ये 90 दिनों में पककर तैयार हो जाने वाली संकर किस्म है और लगभग उत्पादन इनसे 40 से 50 क्विंटल प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों बीज दर की बात करें तो इसमें 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। इसमें ये समस्या नहीं है कि आप लाइन से ही बुआई कर सकते हैं, क्योंकि पौधे इनके बहुत ज़्यादा जो है हाइट वाले नहीं होते, बहुत ज़्यादा लंबाई वाले नहीं होते हैं, नॉर्मली लंबाई होती है इनकी, तो आप इनको जो है छिटकवा विधि से भी इनकी बुआई कर सकते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता होती है इनमें, यानी किसान भाइयों इन किस्मों में अगर सबसे अच्छी किस्मों की बात की जाए तो हालांकि ये सारी किस्में जो है अच्छी ही हैं और इनको किसान किसी ना किसी कारण से जो है कोई ना किसी ना किसी खूबी की वजह से इनके उनको पसंद करता है, लेकिन यदि आपको इनकी मार्केटिंग करनी है, आप इनको बेच के जो है अर्निंग करने के लिए आप इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारा राय है कि आप मोनसेंटो डेकल्ब जो है 9108 या 9126 आपको वैरायटी मिलती है, आप इसको लगाइए। ऑफलाइन नहीं मिलती है, आप इसको ऑनलाइन मंगवा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल टाइम पे जो है अच्छा उत्पादन मिल रहा है और आपको कोई इसमें अलग से कोई सिस्टम नहीं करना है, नॉर्मली फार्मिंग में करना है, या फिर आप जो है MAH 1584 का बुआई करिए। ये हमारा सजेशन है आपके लिए कि अगर ये इन दोनों किस्मों में से आपको कोई मिल रहा है तो आप दोनों में से किसी किस्म की ही बुआई करिए।
बाकी सारी किस्में अच्छी हैं जो बताई गई हैं आपको। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियां देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।